हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एक क्वेश्चन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे काफ़ी बार पूछ चुके हैं, दैट इज बेस्ट बुक कौन सी है यूजीसी नेट के लिए जिसको पढ़ा जाए, मार्केट में ऐसी कौन सी बुक अवेलेबल है जिसको पढ़ के हम नेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक मार्केट में इस टाइम पर अवेलेबल है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर आपको कम्प्लीटली फ्री क्लासेस अवेलेबल करवा रहा हूँ फॉर यूजीसी नेट पेपर वन। जैसे कि आप देख सकते हो क्लास नंबर 5th यहाँ पर है। इसके अलावा जो क्लास इससे पहले की जो क्लासे मैंने करवाई हैं ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको दिख जाएगा विनर बैच 2023। आपको इसी वाले विनर बैच पे क्लिक करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपके यहाँ पे क्लासेस विजिबल होंगी। आप देखेंगे क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में जितने भी ऑल 10 यूनिट्स हैं इसके जो भी इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक है जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उन टॉपिक को मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। सो मेक श्योर गाइज आप इन क्लासेस को जरूर फॉलो करें। शाम को 8 बजे क्लास आती है ऑल्टरनेट डेज पर। जैसे कल मैंने 8 बजे क्लास ली थी तो आज शाम को 8 बजे क्लास नहीं आएगी, बल्कि अब कल शाम को 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो आप इन शाम इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें, डेफिनेटली इससे आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं और दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखो गाइस, बात करेंगे हम पेपर वन की जो बुक होगी मार्केट में वो कौन सी है और पेपर टू की बुक कौन सी बेस्ट है। पेपर वन में आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 2 मार्क्स की होती है, मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर वन होता है। देन पेपर टू जो होता है अगेन वो उसमें से 100 क्वेश्चन बनते हैं और 100 क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 200 मार्क्स की आपकी सेकेंड पेपर की वेटेज होती है। टोटल हम देखें तो यहाँ पर टोटल 300 मार्क्स की वेटेज होती है पेपर वन पेपर टू मिला करके। अब गाइस देखो कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स की पेपर वन को कई बार ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं या कई बार पेपर टू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। आपको ये काम नहीं करना है, आपको दोनों को इंपॉर्टेंस देनी है बिकॉज दोनों का ही एक अपनी इंपॉर्टेंस है आपको एग्जाम क्रैक करवाने में। दोनों रोल काफी बड़े लेवल प्ले करते हैं। वैसे देखा जाए तो पेपर वन ज्यादा स्कोरिंग होता है ऐसा सभी मानते हैं जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक किया है, और मैंने खुद ने पर्सनली इस चीज को मैं बिलीव करता हूँ कि पेपर वन में ज्यादा स्कोर करना ईजी होता है एज कम्पेयर विद पेपर टू, क्योंकि पेपर टू में कई बार ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो वाली बात आ जाती है। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पर कि पेपर वन की और पेपर टू की बुक कौन सी है बेस्ट, तो पहले मैं पेपर टू की बात करूंगा। यहाँ पर पेपर टू के लिए गाइस देखो जिस तरीके से अब एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, आप मार्केट से किसी भी ऑथर की किसी भी राइटर की बुक ले लो, आप उस बुक को पढ़ने के बाद एनटीए जिस लेवल की क्वेश्चन पूछ रहा है हार्डली उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज अब जो है एनटीए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है और बुक्स में जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें कंप्लीट क्लियर वे में कॉन्सेप्ट कवर्ड नहीं है। मैंने काफी सारी बुक्स को ऑब्जर्व किया है, मैं ऑथर के नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर यहाँ पर इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा। गाइस यहाँ पर मैं सिंपल सी भाषा में बस इतने समझाना चाहूंगा आपको कि जो पेपर टू है अगर आप बुक से ही पढ़ना चाहते हो तो आप बुक से पढ़ो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप बुक से पढ़ सकते हो, मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है। लेकिन अगर आप मेरा कहना मानो तो पोस्ट ग्रेजुएशन और जो ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में आपने करी है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने इन बुक्स को रेफर किया ग्रेजुएशन करने में पोस्ट ग्रेजुएशन करने में, इन बुक्स को अगर आप रिवाइज करोगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कौन सा सिलेबस, जो कि हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है, उस सिलेबस को फॉलो करते हुए अगर आप इन बुक्स को रिवाइज करते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो गाइज बिलीव मी पेपर टू में आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना आपको कंप्लीट बुक्स को रिवाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये नहीं होगा कि हमने 2-4 बुक्स तो पढ़ ली बाकी बुक्स को छोड़ दिया, वो नहीं करना, कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। देन उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस भी करनी है। तो पेपर टू के लिए इससे बड़ा जो रामबाण जो इलाज होता है हम कह सकते हैं कि वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये हम बात करें पेपर टू की। अगर हम बात करें पेपर वन की तो अगेन मैं सेम वही बात बोलूंगा कि पेपर वन के लिए अब मार्केट में ऐसी कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जो कि एनटीए के क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न को मैच कर पाए, बिकॉज अब जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए पेपर वन के लिए क्या करें फिर, तो गाइस देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेपर वन की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ले लो। अब इसकी कौन सी बुक बेस्ट बेस्ट बुक है मैं उसके लिए भी सजेशन अब दूंगा आपको, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्यों करने जरूरी है। सो टू नो द पैटर्न एंड ट्रेंड, इससे आपको ट्रेंड का पता चलेगा पैटर्न पता चलेगा और आप लोग अपडेटेड रहोगे। अपडेटेड का मतलब कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 के स्टार्टिंग में जून में जो एग्जाम हुआ था, 2022 में जो एग्जाम हुआ था, इनसे आपको अवेयर रहना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
और जब आप प्रीवियस ईयर की पेपर पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा एवरग्रीन टॉपिक का, कि ऐसे टॉपिक जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, और ज्यादा फोकस करना है आपको रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये कहाँ से पता चलेगा? ये भी आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने से। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से करें, कहाँ से मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर? तो गाइस देखो, दो तरीके हैं। एक तो आपका यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और एक होता है बुक ले लो मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो ऐसे में अगर आप यूजीसी नेट वेबसाइट से लेते हो तो फ्री में आपको तो मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर और पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन उसके आंसर गिवेन नहीं होते हैं, ना ही आंसर होगा और ना ही एक्सप्लेनेशन गिवन होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट से बुक ही परचेस कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। आप कौन सी बुक परचेस करें और बुक जो होगी वो कितने रुपए की मिलेगी? तो गाइस 250 से 300 के आसपास आपको बुक मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। अब मैं पेपर वन की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें गाइस कि कौन सी बुक मार्केट में बेस्ट है, तो गाइस देखो मैंने काफी सारी बुक्स को ऑब्जर्व किया, मुझे ओसवाल की बुक ज्यादा बेस्ट लगी। अभी मुझे बेस्ट क्यों लगी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके अंदर एक तो अभी जो पेपर हुए थे मार्च 2023 के, वो पेपर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, प्लस इनके अंदर मैंने देखा कि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। ना सिर्फ क्वेश्चन गिवन है बल्कि आंसर भी गिवन है, प्लस उनका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो ये चीज बेस्ट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ लेते हो तो अगर फ्यूचर में उस क्वेश्चन के आसपास का मिलता जुलता कोई क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाओगे, बिकॉज आपने उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझा हुआ था अच्छे से। इसलिए मार्केट से आप ये जो ओसवाल की बुक वो परचेस कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर आपके क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी गिवन है और बहुत ही सही रेट में मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि बहुत महंगी 500 1000 रुपए की मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, 250 से 300 के आसपास की बुक मिलेगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो मतलब मिनिमम अमाउंट में आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये जो बुक है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो अगर आप ऑफलाइन परचेस करने जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिलता, जो रेट लिखा होता है उसी रेट पे आपको बुक चिपका देते हैं दुकान वाले। अगर आप ऑनलाइन परचेस करोगे तो यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट चल रहा है, आई थिंक ऐसा अभी अमेजोन का 4 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच में एक कोई ऑफर चल रहा है 4 से 8 अगस्त अमेजोन का। तो अगर वहां से परचेस करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो उसका लिंक है, परचेस लिंक, मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, प्लस कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पे जाके आप इन बुक्स को परचेस कर सकते हो, वहां से एक्सप्लोर कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पर मार्च 2023 के जो पेपर हुए थे वो वाले पेपर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारे पेपर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो ये चीज मुझे इस बुक के अंदर काफी बेस्ट लगी। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा ओसवाल की एक बुक और मार्केट में अभी नई नई बुक आई है, दैट इज मॉक टेस्ट। यहाँ पर 15 मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बुक भी मार्केट में देखने को मिली है मुझे। तो ये भी आप कर सकते हो, अगर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लो प्लस मॉक टेस्ट ले लो, या फिर ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, जो भी आपको बेस्ट लगे वो ले लो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट है, ये आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप ये कर लोगे तो आपके अंदर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप देखो गाइस, मार्केट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक तो बता दी, लेकिन मैंने बात कही थी कि पेपर टू के और पेपर वन के लिए मार्केट में बुक नहीं है जो कि एनटीए क्वेश्चन के आस्किंग पैटर्न को मैच कर पाए। तो उसके लिए पेपर टू के लिए मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को आप रिवाइज कर लो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर पेपर। और पेपर वन अगर आप हमसे पढ़ना चाहो और पेपर टू कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस, तो इसकी तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। अब हम तैयारी किस तरीके से करवा रहे हैं मैं आपको ये भी समझा दूं। यहाँ पे हम तैयारी करवा रहे हैं आपको एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से थ्योरी को कवर किया जाए, उस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर के हम आपको कंप्लीट जो कंटेंट है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। तो पेपर वन कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस के जो कोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, प्लस 100 मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए जो कि आपको कोर्स के अंदर ही मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। अब इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। आज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।